यहाँ एक परिवार द्वारा अनावश्यक ही 500-500 के नोट एक दूसरे से बढ़ चढ़कर किसी धार्मिक कार्यक्रम में चढ़ाए जा रहे हैं, जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह पैसा किसी वास्तविक में धार्मिक कार्य में ही प्रयोग में लाया जाएगा। अपने आसपास किसी दुखी लाचार व्यक्ति का सहयोग करना, किसी बीमार व्यक्ति का इलाज करवाना, किसी गरीब बालक या बालिका के पढ़ाई में सहयोग करना, किसी निर्धन या अनाथ लड़की के विवाह में सहयोग करना, ये सभी कार्य परम धार्मिक व ईश्वरीय कार्य माने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को धन चढ़ाकर उसके बदले ईश्वर से कुछ पाना चाहता है या उस धन को रिश्वत के तौर पर ईश्वर पर चढ़ाता है, तो वह व्यक्ति न सिर्फ अज्ञानी है बल्कि घोर अधार्मिक भी है। किसी भी प्रकार के दान को देने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके द्वारा दिए गए दान का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। आपके दान के पैसे को धार्मिक कार्य में लगाया जा रहा है कि नहीं। अगर आपके दान में दिए गए पैसे का दुरुपयोग होता है या किसी अधार्मिक कार्य में प्रयोग में लाया जाता है, तो उस अधर्म के पाप का प्रतिफल आपको भी भुगतना पड़ता है। आप भी उस पाप के आधे भागीदार हो जाते हैं। तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दान का सदुपयोग ही हो, दुरुपयोग ना हो, क्योंकि दान का सदुपयोग होने पर ही और उसे किसी धार्मिक कार्य पर लगाने पर ही आप पुण्य के भागीदार होंगे। धन्यवाद।